हेलो गाइस, आई एम रिक्की एंड यूर मोस्ट वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस। एज यू नो टुडे इज संडे एंड इन द सेगमेंट ऑफ संडे आई हैव कम विथ ए गुड स्टोरी फॉर यू। तो आज भी एक बेहतरीन और बहुत ही अच्छी कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। चलिए आज की कहानी का आगाज़ करते हैं। हर संडे की तरह आज भी एक बेहतरीन कहानी होगी। चलिए कहानी का आगाज़ करते हैं, उसको आरंभ करते हैं। स्टोरी ऐसा है कि एक बार जो नरेश हुए हर्षवर्धन, उन्होंने अपने मंत्री देवधर से कहा कि जो मेरी प्रजा है बहुत बेचैन है, मतलब कि सभी जो है कुशल सुखी नहीं है, तो हम आपको एक काम देते हैं कि आप बगल में एक और राज्य था वहाँ जाइए और वहाँ जा करके वहाँ के लोगों का आचार व्यवहार देखिए, वहाँ से कुछ सीखिए। और चूँकि देवधर जो थे बहुत विद्वान थे, वहाँ से कुछ सीखिए और जो उस राज्य में जा करके वहाँ लोग शांत हैं, हमारे यहाँ लोग अशांत हैं, क्या रीज़न है, इस चीज़ को ढंग से सीखिए और वह जो मर्म है उसको लेकर के आप अपने राज्य में आइए और उस मर्म को यहाँ जो अपने राज्य में जो है उसको लागू करना है और यहाँ की जो प्रजा है वो जब उसको उसकी पालन करेगी तो यह भी खुश होगी, यह भी शांति होगी, शांति से जीवन यापन करेगी। राजा का मूल मकसद ये था कि आखिर वो कौन से कारण हैं जिसकी वजह से जो है हमारे हमारे शासन में जो प्रजा है वो इतनी नाखुश है या इतना उदास है या क्या रीजन है। और एक राजा का एक दायित्व बनता है कि जिस जगह का वो शासक है, जिस प्रजा का वह एक चुना हुआ शासक है, उसकी ये जिम्मेवारी बनती है कि वह अपने प्रजा के खुश होने का कारण ढूंढे ताकि प्रजा खुशहाल रहे। तो उसके खुशहाली में ही राजा की जो है कह सकते हैं कि उसका दायित्व भी है और उसकी जिम्मेदारी भी बनती है। तो यह सोचकर उन्होंने अपने विद्वान को देवधर को दूसरे स्टेट जो है भेज दिया, दूसरे राज्य में भेज दिया। देवधर दूसरे राज्य में गए, वहाँ के राजा से मिले और वहाँ के राजा को ये बात बताया कि हम हर्षवर्धन के यहाँ से आए हैं और हमको इसलिए भेजा गया है कि हम आपके राज्य को घूम करके देखें और यहाँ पर जो लोग इतने खुश हैं, इतने अच्छे हैं, क्या रीज़न है, यहाँ से कुछ हमको सीखने के लिए भेजा गया है ताकि इस चीज़ को हम यहाँ से ले जाएं और अपने राज्य में भी उस चीज़ को लागू करें। तो राजा ने आदेश दिया, ठीक है आप घूमिए हमारे राज्य में और जो जो है आप वहाँ से लीजिए। राजा को लगा कि हमारे राज्य में जो है राज पुरोहित हैं वो सबसे अच्छे हैं, क्यों ना हम देवधर को राज पुरोहित के पास भेज दें तो राज पुरोहित उसको कुछ जो है ज्ञान दे सके, कुछ जो है जीवन का अनुभव बता सके। यह सोच करके उस राजा के राज्य में जो हर्षवर्धन के राज्य से देवधर आया था उसको राज पुरोहित के पास भेज दिया। देवधर राज पुरोहित के पास गए और उनसे कहा कि जो है हम जीवन के बारे में कुछ आपसे सीखने आए हैं, जानने आए हैं। राज पुरोहित ने कहा कि देखिए अभी जो है वर्तमान समय में हमारी कंडीशन अच्छी नहीं है, मतलब कि मेरी जो मानसिक चिंतन है वह अच्छा नहीं है हमारा। मतलब उन्होंने ये बताया कि हम जिस स्थिति में आप हमसे जिस समय पूछने आए हैं हमारे मन में कुछ द्वंद्व चल रहा है, इसलिए हम अभी जो है उपदेश करने के मूड में है नहीं, अर्थात अभी हमसे उपदेश होगा नहीं। तो देवधर ने पूछा ऐसा क्या हो गया, तो राजपुरोहित ने कहा कि हम जो है राज्य के जब हम चारों तरफ सीमा जो है घेराव करवा रहे थे तो उसके दौरान क्या हुआ कि एक जगह जो है गड्ढा में हमको ज़मीन का मतलब जो है नाप कराना था और उसको उसके चारों तरफ जो है एक ऐसा समझ सकते हैं कि एक बाउंड्री देनी थी। तो उस देने के क्रम में ऐसा हुआ कि एक गड्ढा में जो है हमने जैसे ही मतलब कि वो एक समझ सकते हैं कि वह चारों तरफ के घेराव के लिए जैसे ही उसमें खूंटा डाला तो वह क्या हो गया, उसमें किसी जीव के मरने की जो है आवाज़ आई, मतलब कि उसकी एक जो है किसी जीव के दबाने की आवाज़ आई और हमको लगा कि हमसे कोई हिंसा हो गई, मतलब कोई जीव की हत्या हमारे हाथों हो गई और यह आज सुबह हुई है, इसलिए जो है हम इससे बहुत आहत हैं और अभी हम आपको उपदेश देने के मूड में नहीं हैं। तो देवधर को लगा कि एक जीव छोटा सा हिंसा से क्या दिक्कत हो जाता है आपको, उसने कहा नहीं, जो है जीवन में जब हिंसा होती है कुछ गलत होता है, मनसा वाचा कर्मणा, मन से कर्म से वचन से अगर किसी की हिंसा होती है, किसी को आप किसी के साथ गलत बर्ताव करते हैं तो उसके द्वारा जो है तकलीफ अपने अंदर भी होती है और सामने वाले को भी होती है, दोनों को पीड़ा होती है, इसलिए अभी जो है हम उपदेश के मूड में नहीं है, इसलिए आप जो है सारथी के पास जाइए। अब राज पुरोहित ने भेज दिया उसको सारथी के पास। जब वो सारथी के पास गए और उन्होंने कहा कि कुछ उपदेश दीजिए, मतलब हम जो है एक अच्छे जीवन के लिए आपसे कुछ पूछने आए हैं, कुछ अपना अनुभव शेयर कीजिए। सारथी ने कहा देखिए हमारे साथ कुछ जो है कुछ गलत हुआ है। बोला क्या गलत हुआ है, बोला हम
बारिश पड़ रही थी और हम घोड़े से आ रहे थे और घोड़ा धीरे धीरे चल रहा था, चूँकि दिन भर थका हुआ घोड़ा था। हमने उसको ज़ोर ज़ोर से चाबुक मारी है, बहुत चाबुक मारी है, और जो है यह एक आप समझ सकते हैं कि मतलब एक निर्दयतापूर्ण व्यवहार हुआ घोड़े के साथ, कि जो घोड़ा हमको इतना दूर से खींच के लाया, हमने उसको एक निर्दय होकर के कोड़ा मारा है, तो कहीं ना कहीं आत्मग्लानी हमारे अंदर है, हमको लग रहा है कि हमने कुछ गलत किया है, ये हमको नहीं करना चाहिए था, इसलिए अभी जो है हमसे ये काम नहीं होगी। तो उन्होंने दया के रूप में कहा कि हम थोड़ा निर्दयतापूर्ण व्यवहार हमने घोड़े के साथ की है, हमने उसको बहुत चाबुक मारा है, इसलिए हमारा हृदय अभी जो है मतलब कि आपको उपदेश के देने लायक नहीं है। देवधर वहाँ से भी लौटे तो सारथी ने कहा आप जो है एक सारिपुत्र जो है उसके पास जाइए। सारिपुत्र जो है वह भी एक पद था जिस पे कि बहुत ही महान लोग होते थे। तो देवधर जो है कुछ सीखने के लिए सारिपुत्र के पास चले गए। सारिपुत्र से यही बात कहा कि हम जो है कुछ आपके पास आए हैं सीखने के लिए, कुछ जीवन का अनुभव बताइए जिससे आदमी खुश रह सके। सारिपुत्र मुस्कुराए और बोले मित्र मैं आपको उपदेश कर देता लेकिन अभी मैं उपदेश करने के मूड में नहीं हूँ। बोला क्यों, क्या हो गया? बोला सारिपुत्र हूँ और हमारा जो दायित्व होता है राज्य के प्रति वह ये होता है कि जो कृषक का धान होता है, कृषक का जो अनाज होता है और जो राजा का अनाज होता है, दोनों का बंटवारा करना मेरा काम होता है, और उस बंटवारे में हमने एक गलत काम किया। बोला क्या गलत हो गया? बोला हमने जो कृषक का धान था वह भी राजा के धान में दिलवा दिया, ये हमसे अन्यायपूर्ण काम हुआ, अर्थात न्याय नहीं हुआ। अगर अनाज कृषक का है, किसान का है, तो वो हमको किसान को ही देना चाहिए था, हमने राजा को देकर के गलती की, और जो है उसके लिए आत्म प्रताड़ित हूँ। हमारा हृदय जो है अंदर से हमको अच्छा नहीं कह रहा है, वह कह रहा है कि जो है तुमने न्याय नहीं किया कृषक के साथ, इसलिए हे देवधर मैं आपको जो है अभी उपदेश नहीं दे सकता हूँ। जो आप एक काम करें कि आप द्वारपाल के पास चले जाएं। तो सारिपुत्र ने उसको द्वारपाल के पास भेज दिया। अब देवधर द्वारपाल से गए और वही प्रश्न किया कि हम आपसे जीवन के बारे में कुछ सीखने आए हैं, कुछ अनुभव हमको बताइए, जो आपने इतने दिन तक इस राज्य में सारा कार्यभार संभाला, तो कुछ जो है अनुभव आप दीजिए। द्वारपाल ने कहा हे देवधर अभी मैं आपको उपदेश देने में असमर्थ हूँ। बोला क्यों? तो बोला मैं द्वारपाल हूँ और हमारा ये दायित्व बनता है कि जो द्वार के आगे आने जाने वाले लोग हैं वह जो है उससे पूछना, और राजा के किस लिए वो आए हैं उसके उद्देश्य के बारे में जानना, और भी चीज़ें पूछना होता है। लेकिन आज हमने एक गलती कर दी है कि एक यंग युवा और एक युवती खड़ी थी, हमने दोनों पर जो है एक लांछन लगाया कि दोनों जो है दूसरे के प्रेमी हैं, और उसके बारे में रास का या समझ सकते हैं कि एक गलत लांछन लगा करके उसको हमने बदनाम किया, और ये एक द्वारपाल होने के नाते हमसे ये चीज़ नहीं होने चाहिए थी, ये हमको नहीं करना चाहिए था, जबकि वो दोनों जो है भाई बहन थे। इसलिए जब से ये कृत्य हुआ है मैं उदास हूँ, अपने अंतर्मन में खोया हुआ हूँ, हमें बार बार ये आत्मप्रताड़ना मिलती है कि मैंने गलत किया है उस युवक युवती के साथ, हमको ऐसा लांछन, ऐसी गलत लांछन उसके ऊपर नहीं लगानी चाहिए थी, इसलिए हे देवधर मैं भी जो है आपको उपदेश देने के लायक नहीं हूँ। जो आप एक काम कीजिए, एक उत्पल वर्णा नाम की वेश्या रहती है, वो बहुत ही विदुषी है, बहुत विद्वान है वेश्या लेकिन वो बहुत विद्वान है, उसके पास जाइए, वह आपको सही ज्ञान देगी और जीवन का मर्म, धर्म का मर्म आपको बता देगी। देवधर ने कहा ठीक है। वो जो है उसी राज्य में रहने वाली उत्पल वर्णा के पास चली गई। उत्पल वर्णा एक बहुत विदुषी थी और बहुत खूबसूरत महिला थी जो एक वेश्या का काम वहाँ पर करती थी। तो वह उसके पास गए और उन्होंने कहा कि हमको द्वारपाल ने भेजा है, जो जीवन का कुछ अनुभव है तो हमको बताओ, ऐसी बातें वह उनसे कहता है। लेकिन उत्पल वर्णा बोलती है कि अभी मैं आपको इस चीज़ के बारे में उपदेश नहीं दे सकती। इसके पीछे रीजन ये है कि मैं जो है यहाँ का एक चंद्रकांत जो शासक थे उसका जो पुत्र था उससे हमारा प्रेम था और उससे जो है हमारा रिश्ता था। तो लेकिन क्या हुआ, जब वो हम उसके साथ जुड़े हुए थे और किसी क्रम में उनको जो है हमको छोड़कर जाना पड़ा, तो उनका ये वादा था कि जब तक आ ना जाए हमको किसी और के साथ संबंध नहीं बनाना है या नहीं रहना है, ऐसी बातें थी। लेकिन हुआ ऐसा कि वो गए और 3 साल तक नहीं आए और हमने जो है किसी और के साथ विवाह कर लिया, और आज ही जो है वो लौट करके फिर 3 साल बाद वापस आ गए हैं, और यह चीज़ जो है हमको अंदर से खटक रही है, उन्होंने हमको अपने पति से बात करते हुए देख लिया है, और इस मतलब कि इस तरह की जो घटनाएं हुई इससे मैं बहुत शर्मसार हूँ, बहुत शर्मिंदा हूँ, इसलिए हे देवधर मैं आपको अभी उपदेश नहीं कर सकती, जीवन का धर्म का मर्म मैं अभी आपसे नहीं कर सकती। देवधर थक गए थे सबसे पूछ पूछ के, लेकिन धर्म का मर्म, जीवन का मर्म
खुशी का मर्म उसको मिला नहीं था। देवधर बैठकर उन्होंने जब पूरे दिन का आकलन किया तो एक जो है ईश्वर की, आप समझ सकते हैं कि उसके मन में, मस्तिष्क में एक ईश्वर से आवाज़ आई, हे देवधर सुबह से शाम हो गई लेकिन धर्म का मर्म तुमको मिला नहीं, इसलिए बैठ के अपने कृत्यों को देखो, सुबह से जो जो तुम्हारे साथ हुआ उसको बैठ कर देखो और उसी में धर्म का मर्म है, उसी में खुशी का मर्म है। देवधर की चेतना जो है यह आवाज़ करने लगी और देवधर को अपनी चेतना पर यकीन हुआ। वह जो है थक करके एक जो है गौशाला के पास कुआं था वहाँ पर बैठा और बैठ करके सोचने लगा। सोचते सोचते सुबह से जब वो पहली घटना के पास आया कि जब वो राजपुरोहित से मिले थे तो वह दुखी क्यों था। राजपुरोहित दुखी इसलिए थे क्योंकि उन्होंने जो है घेरा डालने में एक पानी के अंदर कोई जीव था उसकी हत्या कर दी थी, अर्थात उसकी हत्या जो है उसके हाथों से हो गई थी, इसलिए वह अपने आप में आत्मप्रताड़ित था और वह दुखी था, तो उन्होंने हिंसा का काम किया। तो पहली सीख ये थी कि जो हिंसा करेगा वह कभी सुखी नहीं रह सकता, वह कभी आनंदित नहीं रह सकता, उसके चेहरे पर मुस्कान जो हृदय से होती है वह नहीं हो सकती। फर्स्ट मैसेज ये मिला। दूसरा मैसेज देवधर को यह मिला कि राजपुरोहित ने उसको सारथी के पास भेजा था। सारथी के दुखी होने का रीज़न यह था कि उन्होंने घोड़े की पिटाई बहुत जोर की थी, मतलब बारिश तेज था लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा कि घोड़ा हमारा थका हुआ है, थोड़ा भींग ही जाएंगे तो क्या होगा, वह भी एक जीव है, ना समझते हुए उन्होंने बहुत जोर की पिटाई की घोड़े की और जो है चमड़े से मारा, चाबुक से मारा। बाद में उसकी चेतना उसको प्रताड़ित करने लगी कि हे सारथी यह तुमने गलत किया है। तो यह जो है दया था, आखिर इसका मैसेज था कि अगर आप निर्दयी होंगे तो भी आप जो है आपने धर्म का मर्म नहीं समझा, आपने जीवन का मर्म नहीं समझा, अर्थात निर्दयी नहीं बनना चाहिए, आदमी को करुणा रूप होना चाहिए, दया उसके हृदय में होनी चाहिए। और कहा जाता है कि इंसान की जो क्वालिटी मापी जाती है वह उसके दया से, उसके हृदय में कितनी दयालुता है, कितनी करुणा है किसी के प्रति, इसी से आदमी का जो है यह तय होता है कि वो आदमी कैसा है। ये बात दूसरी सीख थी। पहली, हिंसा नहीं करनी चाहिए। दूसरी थी कि निर्दयतापूर्ण व्यवहार किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। और तीसरा जो सारी पुत्र का था कि उन्होंने कृषकों का धान लेकर के जो है राजा के इसमें डाल दिया, तो वह सारी पुत्र एक पद होता है जिसका काम होता है कि वो न्यायपूर्ण काम करे, लेकिन उन्होंने कृषक के साथ, किसान के साथ अन्याय किया था, उन्होंने किसान का धान जो है वो राजा के इसमें दिलवा दिया था, इसलिए वह भी दुखी था। तो तीसरा यह है कि जब भी कोई कार्य कीजिए तो न्यायपूर्ण होना चाहिए, चाहे हम हो, हमारे साथ अपना हो या हमारा पराया हो, जो न्याय है वो न्याय होगा। और फिर सारथी पुत्र ने उसको द्वारपाल के पास भेजा था। द्वारपाल की घटना जब उसके मस्तिष्क में आई तो उससे यह सीख मिला कि किसी के प्रति भी जो है, किसी के प्रति आप स्वचरित्रता का व्यवहार कीजिए। एक लड़का लड़की को देखा उसके प्रति गलत ही सोच लेते हैं लोग, यह गलत है, आप उसके प्रति जो है विवेक दृष्टि रखिए। विवेक दृष्टि ही वह सबसे अच्छी गुण है जो कि आपको सकारात्मकता भी देती है और आपके मस्तिष्क को शांति भी देती है। तो विवेक दृष्टि होना यह तीसरा धर्म का मर्म था। और नहीं, चौथा, अहिंसा, दया है ना, और न्याय, विवेक दृष्टि, और चौथा जो द्वारपाल का विवेक दृष्टि था। और द्वारपाल के बाद जो उत्पल वर्मा के पास देवधर को भेजा गया था, वहां से मैसेज उसके दिमाग में यह आया कि स्वचरित्रता, आप जिसके साथ आपकी जो है, जो आपके जीवन के लिए या समाजगत जिसके साथ आप जुड़े हुए हैं, उसके साथ कर्तव्य निष्ठा के साथ, धर्म निष्ठा के साथ जुड़े रहना यह सच्चरित्रता है। स्वचरित्रता के साथ आप अगर बने रहते हैं तो जो है आपको जीवन में कभी दुखी नहीं होना पड़ेगा, कभी आपको आत्मप्रताड़नाएं नहीं मिलेगी। और यहाँ से देवधर ने ये पांच चीज़ सीखा कि अहिंसा परमो धर्म, दया दृष्टि सबसे बड़ा धर्म है, न्याय यह आदमी का सबसे बड़ा गुण है, विवेक दृष्टि यह सबसे अच्छी चीज़ें हैं, और स्वचरित्रता, यह पांच गुण अगर आदमी में आता है तो वह जो है यही धर्म का मर्म है और यही आदमी के खुश होने का, आनंदित होने का, जीवन में अच्छा जीवन यापन करने का सबसे बड़ा धर्म है। तो आज की स्टोरी को यहीं एंड करते हैं। और कहानी कैसी लगी बताइएगा।